Hello everyone and assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Artist World. If you are new to my channel and want student previous classes, visit the description box. And don't forget to subscribe my YouTube channel for more creative ideas and free online drawing classes. आज की क्लास का टॉपिक है हॉर्स फेस ड्राइंग. हॉर्स फेस की ड्राइंग के साथ साथ मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि फोर डिफरेंट डायरेक्शन से हॉर्स के पोजेस बनाना शेयर करूंगी. और आज की क्लास में मैं जितना भी काम करूंगी उनके लिए बेसिक शेप्स डे वन और डे थ्री से लेंगे, जिसमें मैंने सर्कल और ट्राइंगल बनाना सिखाई थी. उन्हीं दो शेप्स को इस्तेमाल करते हुए आज हम एक रियलिस्टिक हॉर्स का फेस ड्रा करेंगे. एक फेस नहीं, फोर डिफरेंट डायरेक्शन में फेस ड्रा करना सिखाऊंगी. और यस, अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप जस्ट 5 मिनट में हॉर्स का फेस ड्रा कर सकते हैं. और ये भी शेयर करूंगी कि हॉर्स का फेस ड्रॉ करते वक्त नोज़, आईज़ और लिप्स के दरमियान कितना डिस्टेंस रखा जाता है और ईयर्स की स्टार्ट लाइन कौन सी होती है और इन्हें कैसे ड्रॉ किया जाता है. आज की ड्राइंग शुरू करते हैं. आज की ड्राइंग भी बहुत ही बेसिक शेप्स के साथ स्टार्ट होगी. हॉर्स का फेस दिखने में जितना टफ लगता है उतना ड्रा करने में बिल्कुल भी नहीं है. दो स्ट्रेट लाइंस ड्रा करनी है, एक बड़ा सर्कल ड्रा करना है एंड पे, उससे थोड़ा सा फासले पर एक छोटा सर्कल ड्रा करना है. और हॉर्स के फेस में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं जिन्हें याद रखना ज़रूरी है. पहला हिस्सा माउथ का, दूसरा सेंट्रल एरिया और तीसरा जा पोर्शन. इन तीनों को बाद में हम सेट कर लेंगे, लेकिन एक रफ स्केच में आपने इस तरीके से लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है. और जो माउथ एरिया है उसे थोड़ा इस शेप में ड्रॉ करना है जैसा मैंने साथ में पिक्चर में लगाया हुआ है. अंदर वाली स्ट्रेट लाइन के साथ शेप ड्रॉ करनी है फेस की. और नीचे से तीनों कर्व्स मिलाते जाने हैं. और लास्ट पे जो बड़ा कर्व होगा उसे थोड़ा डार्क करना है. हॉर्स की आइज़ ड्राइंग की बारी आएगी, तब भी आइज़ ड्रा करते वक्त एक स्पेसिफिक मेजरमेंट को जहन में रखना होगा. हॉर्स की आइज़ कहाँ ड्रा करनी है इसके लिए जो बड़ा सर्कल सबसे लास्ट पर ड्रा किया था, बड़ा कर्व नंबर 3 मैंने जो लगाया पिक्चर में, उसे हाफ़ करना है. हाफ करने के बाद ऊपर वाले एरिया में आपने उस लाइन के ऊपर एक डायमंड शेप की आइज़ ड्रा कर देनी है. हॉर्स की आइज़ डायमंड ही होती हैं, इसलिए आपने इसे शेप में ड्रा करना है. लेकिन आइज़ की डायरेक्शन चेंज होगी हॉर्स के पॉज के अकॉर्डिंग. उसके बाद जो दूसरा कर्व आता है, कर्व नंबर 3 और 2 के सेंटर में जो कर्व है, आपने इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ये स्ट्रेट लाइन ऊपर से हेड की स्लोप को शो करेगी. हेड को स्लोप में लाते हुए माउथ एरिया से मिला देना है. उसके बाद सारी शेप्स को सेट करते जाना है. ये है रफ ड्राइंग. उसके बाद मैं इसे मोर रियलिस्टिक करूँगी. अब है बारी हॉर्स के ईयर्स की. ईयर्स कुछ इस तरीके से सिलेंडर फॉर्म में होंगे. ईयर्स को मैं लैदा से भी बनाना सिखा दूँगी. और ईयर्स कहाँ ड्रॉ करने हैं, जो हॉर्स का लास्ट वाला सर्कल था उसे नीचे से बढ़ाते हुए ऊपर की जानब लेकर जाएँ और जहाँ पर वो सर्कल एंड हो वहाँ पर आप हॉर्स के ईयर्स ड्रा कर दें. और हॉर्स के ईयर्स 3D ही ड्रा होंगे. यहाँ से जो एरिया नेक से फेस के दरमियान का है ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ये भी कर्वी होना चाहिए. और माउथ के भी तीन पोर्शंस होते हैं, ऊपर वाला लिप्स, नीचे वाला लिप्स और नेजल एरिया. अब मैं इसके अंदर की गाइडलाइंस को रिमूव कर रही हूँ ताकि इसे और डिफाइन किया जा सके.
अब बात करते हैं हॉर्स की ईयर ड्राइंग की। जब हॉर्स के ईयर ड्रा करेंगे तो उसके लिए हमें एक सिलेंडर ड्रा करना होगा। सिलेंडर को ऊपर से स्लोप में काट देना है और पहली लाइन के साथ ही दूसरी लाइन को थोड़ा डिस्टेंस के साथ दोबारा एजेस के साथ मिला देना है। ये 3D ईयर्स ड्रा करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप सिलेंडर के बगैर ईयर्स ड्रा करना चाहते हैं तो नथिंग लाइक इट। और हाँ, अगर आप सिलेंडर की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से बगैर सिलेंडर के भी ईयर्स ड्रा कर सकते हैं। मैंने ये मेथड सिर्फ आपकी हेल्प के लिए शेयर किया है। अब हॉर्स का फेस ड्रा कर लेने के बाद मैंने इसे मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए हाईलाइट किया है। लास्ट सर्कल जहाँ से एंड होता है वहाँ पे ईयर्स ड्रा होने हैं। एरो के निशान से मैंने इसको और प्रोमिनेंट कर दिया है ताकि आप इजीली हॉर्स के ईयर्स ड्रा कर सकें। हॉर्स के फेस पर तीन लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। लाइन 3 यहाँ पर आइस ड्राइंग की लाइन है, लाइन 2 हेड से फेस तक की स्लोप है और लाइन 1 अगेन शो करवाती है माउथ एरिया को। और माउथ एरिया को भी मज़ीद तीन पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, पहला एरिया नॉस्टल्स का, दूसरा बड़े लिप का और छोटा चिन के लिए। आइस को आप जितना डिफाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हॉर्स की 2D शेप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी मज़ीद नेक्स्ट मैं डिफरेंट पॉजेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सेकंड पोज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है। इसका माउथ एरिया ब्लॉक फॉर्म में रखना है बिकॉज ये 3D है और इसके लिए बाकी के फीचर्स ड्रा करने के लिए मेथड सेम रहेगा। बड़े सर्कल के एंड पर ईयर्स, सेंटर में आइज और जो सेकेंड लाइन है वहाँ पे हेड का स्लॉपी एरिया। इसकी ड्राइंग में थर्ड पोज शेयर कर रही हूँ। ये पोज हॉर्स का मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसे मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊँगी। सबसे पहले एक कोन ड्रा कर लेनी है। कोन के स्टार्ट में बड़ा सर्कल, सेंटर में छोटा सर्कल और एट द एंड माउथ एरिया ड्रा करना है। नीचे वाले पोर्शंस के लिए बिल्कुल वही मेथड अप्लाई होगा। तीन पोर्शंस में डिवाइड करना है, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल और फ्रंट एरिया। नीचे जितने भी पार्ट्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए फेस के ऊपर वाले सारे पोर्शंस को ड्रा कर लेना है। आइज के लिए भी बड़े सर्कल का हाफ, स्लोप एरिया के लिए सेकेंड लाइन और माउथ एरिया के लिए थर्ड लाइन। ईयर्स ड्रा करने के लिए बड़े सर्कल का एंड फॉलो करना है। इस पोज में नेक की डायरेक्शन चेंज रहेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट स्केच। हॉर्स की पेंटिंग मुझे पसंद है लेकिन हॉर्स का ये पोज मेरा मोस्ट फेवरेट है और इसे मैंने आपके साथ शेयर किया है इजी ड्राइंग के साथ। अगर आपको ये पोज पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और कमेंट सेशन में बताइएगा कि आप में से किस किस को हॉर्स की ड्राइंग पसंद है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं प्लान कर रही हूँ हॉर्स की पेंटिंग का। इससे फ़ायदा होगा कि मैं आपके अकॉर्डिंग हॉर्स की पेंटिंग बना सकूँगी।
हॉर्स का ये पोज फोर्थ पोज है और लास्ट पोज है इस क्लास का, जिसमें मैंने हॉर्स के फेस को ऊपर की जानिब उठा हुआ दिखाया है और नीचे से बोनी एरिया शो करवाया है। इस पोज में हॉर्स का फेस ऊपर की जानिब उठा हुआ है, जिससे नेक और जॉ लाइंस बहुत प्रोमिनेंट शो हो रही हैं। आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं हॉर्स के फोर डिफरेंट पॉजेज, और अगर आपको इनमें से कोई भी एक पॉज पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करें और आर्टिस्ट वर्ल्ड बिनतेरी के मेम्बर बने। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट में लेकर आऊँगी नए क्रिएटिव आइडियाज़ और ईजी ड्राइंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।